फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स आर द क्वांटिटी दैट आर फुली डिस्क्राइब बाय अ मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन। मतलब स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब होती है सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइम की बात करूँ कि फेयर, अगर हम किसी को टाइम बता रहे हैं तो देर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब अ डायरेक्शन, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। टाइम की हम डायरेक्शन नहीं बता सकते कि ये टाइम इस डायरेक्शन में हो रहा है। या कोई अपना मास बता रहा है कि किसी का मास 60 kg है, 50 kg है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ये है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई हो जाएं, डिस्क्राइब हो जाएं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। नाउ वेक्टर्स, वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेट की एग्ज़ाम्पल ले लें कि वेट क्या है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स वेट अगर आप बता रहे हैं तो आप अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें फ़ोर्स की बात कर रही हूँ तो फोर्स अगर हम बता रहे हैं तो उसका मतलब फ़ोर्स के साथ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करनी होगी कि अगर मैं 6 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही हूँ तो मैं 6 न्यूटन की फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट है कि अगर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। सिक्स टॉर्क एंड एक्सेलरेशन। अब स्केलर्स वेक्टर्स को समझने के लिए हम इस एनिमेशन को प्ले करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। स्केलर क्वांटिटी देखें, देखिए ये वाटरमेलन्स हैं, दीज आर टू। मींस मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया कि 1, 2, 3, ये 3 वाटरमेलन्स हैं, इट्स इनफ। मुझे आगे इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसके डायरेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, जहन में भी नहीं आ रहा। फोर वाटरमेलन्स है, इससे कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इन वाटरमेलन्स का मास करूं कि हाँ भाई इसका मास की बात कर रही हूँ मैं, स्पीड हो गई, डेंसिटी, कोई चीज़ कितनी डेंस है, कि जिस वॉल्यूम कितना है, स्पेस कितना ले रही है, टेम्परेचर उसका कितना है, उसकी एंट्रोपी क्या है, इन तमाम चीज़ों में चार्ज कितना है या वर्क डन क्या हो रहा है, तो इन चीज़ों में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं वेक्टर्स की। अब देखिए ये वाटरमेलन मूव कर रहा है, ठीक है। मूव करते करते इसने डिस्टेंस कवर किया, लेट सपोज़ कि इसने 3 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लिया। पर अगर मैं ये भी बताऊं कि इसने 3 मीटर का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया है, मीन्स अब मैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी बताना चाह रही हूँ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दीज आर, इन दोनों को अगर हम साथ मिला लें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अभी फोर्स है, फोर्स लगी तो वेलोसिटी से मूव किया। नाउ एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन सब में डायरेक्शन इंक्लूडेड है। तो स्केलर और वेक्टर का जो डिफरेंस है वो यही है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की नीड नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी जो है डायरेक्शन के बगैर कम्प्लीटली हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को एक एरो के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जहर सी बात है, एक एरो हेड होगा, एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एरो के ज़रिए, वो हम किस तरीके से करते हैं, वो हम इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और इसमें देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया इस ग्राफ में। अब देखिए ये एक एरो हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये एरो हेड है, ठीक है, तो इसको हम हेड कहते हैं और इसको हम टेल कहते हैं। ये वेक्टर का हेड पॉइंट हो गया, और ये जो है वेक्टर का क्या हो गया, टेल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हेड, जिससे एरो होता है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट जिसको हम टेल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की लेंथ अलग है, इस वेक्टर की लेंथ अलग है, ठीक है। तो जो अलग अलग लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती हैं। अब इसको इस तरीके से देखें कि ये वेक्टर हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट को हमने ए ले लिया, फाइनल पॉइंट को हमने बी ले लिया, ठीक है। ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा टेल हो गया, ठीक है। ए इज़ टेल ऑफ अ वेक्टर, और ये जो इसकी लेंथ है, मतलब हेड से लेके टेल तक, वो इसका
मैग्नीट्यूड है, मीन्स 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना है तो एक मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगी इस एक्सिस पे, ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, और इस रेफरेंस लाइन से जो भी एंगल बन रहा होगा जितने भी डिग्रीज का, तो वो इसकी डायरेक्शन को शो कर देगा। तो ये 30 डिग्रीज का बन रहा है, तो 30 डिग्री जो है इस साइड पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड हो गई, वो कोई भी साइड हो सकती है। ये इस रेफरेंस लाइन के ज़रिए हम इसके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये ए जो है टेल, बीच हमारा हेड। अच्छा, अब वेक्टर को किस तरीके से हम लिखते हैं, या तो जैसे अगर इस वेक्टर का नाम मैं दे दूँ कोई, लेट सपोज़ मैं इसका नाम दे दिया डी, तो डी के ऊपर या तो मैं एरो हेड बना दूँ, या फिर मैं डी को बोल्ड लेटर्स में लिख लूँ, ठीक है, या मैं डी को मैग्नीट्यूड्स के अंदर जो है उसको मैं क्या करूँ, शो कर दूँ, ठीक है। तो अभी देख लें, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि डी जो है वो बोल्ड लेटर्स में है, ओके, या फिर हम उसको मैग्नीट्यूड्स के अंदर शो कर देते हैं। ये इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड के अंदर वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेन चीज़ आपने याद कर रखनी है कि एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वैक्टर, हम यहाँ पर जो टाइप्स पढ़ेंगे वो यूनिट वैक्टर, पोजिशन वैक्टर, इक्वल वैक्टर, फ्री वैक्टर एंड नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखें, इक्वल वेक्टर के नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसे दो वेक्टर्स होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। नल वेक्टर, नल मींस ज़ीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो। नल वेक्टर हमें किस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा कि अगर दो सिमिलर वेक्टर हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स एक 5 मीटर और एक -5 मीटर, तो उनका जो रिजल्टेंट क्या होगा, वो 0 मीटर। तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा नल वेक्टर, मीन्स ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। नाउ फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर एक इस टाइप का वेक्टर है कि इट इज़ नाइदर अ पॉइंट नॉर अ लाइन एंड समथिंग दैट कैन मूव फ्रीली। फ्री वेक्टर के नाम तो जाहिर है कि इट इज़ समथिंग दैट कैन मूव फ्रीली ओवर द स्पेस। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। इसको हम आगे एनिमेशन में देखेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। नाउ पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर जो है स्ट्रेट लाइन है, हैविंग वन फिक्स्ड एंड, मतलब उसका एक एंड जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है और जो उसका दूसरा एंड होता है वो मूविंग होता है, मतलब मूविंग पॉइंट, ये कह लें किसी मूविंग पॉइंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो है पोजिशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी लेंथ और डायरेक्शन को जो है वो चेंज करता रहता है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। अच्छा, अब ये इसमें हम थोड़े से एनिमेशन के ज़रिए से इसको देख लेते हैं। देखिए, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, और यूनिट वेक्टर को इस तरीके से हम करते हैं कि यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, उसके बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है, गिवन वेक्टर के पैरेलल होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम एरो हेड से डोनेट करते हैं, ये इस एरो हेड से, एरो कैप से, ठीक है। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर की बात करनी है, मतलब एक वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालूँ तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मींस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट्स यूनिट वेक्टर। नाउ इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब नल वेक्टर की बात करते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, सिंपल एक पॉइंट, जीरो मैग्नीट्यूड इट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम ज़ीरो से फिर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और नल वेक्टर कैसे ऑप्टेन हो,